श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 136। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर से वार्तालाप हो रहा था, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न करने के लिए चले गए थे। तो दूसरे दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए थे। जन बसे कृष्ण कथा गोष्ठी कैला सनातन दुख निवेदिला। जब जगदानंद पंडित आए तो सनातन गोस्वामी से मिलकर दोनों ने कृष्ण की चर्चा अर्थात भगवान कृष्ण की कथा पर चर्चा कर रहे थे दोनों। तो अंत में सनातन गोस्वामी ने से अपना दुख निवेदन किया हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी का क्या दुख था। अब सनातन गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं जगदानंद पंडित से, यहाँ आयला प्रभु रे देखी दुख खंडाइते जे तहाँ प्रभु ना दिला करिते। तो सनातन गोस्वामी ने कहा जगदानंद पंडित से कि हम तो नीलाचल आए थे करके अपने दुख को दूर करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के विरह हम जो दुख को प्राप्त हो रहे थे, हृदय में व्यथा का अनुभव कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए हम चल में। किंतु आते समय हमारे साथ जो घटना घटित हुई, सनातन गोस्वामी के साथ क्या घटना घटित हुई थी कि उनका उनके शरीर में कंडू रोग हो गया था, इसलिए उन्होंने मनस्थ किया था कि नीलाचल में समय रथ जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे वो प्राण त्याग देंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया था, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम पराया नष्ट नहीं कर सकते। तो सनातन गोस्वामी वही बात कह रहे हैं जगदानंद पंडित से कि मेरे मन में जो कुछ था, किंतु चैतन्य हमारे अभिलाष को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। निषेधते प्रभु आलिंगन कर मोर कंडू रसा लगे प्रभु रे शरीर। तो जब कभी चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन करने आते हैं, मैं यद्यपि बारण करता हूँ, उनको मना करता हूँ, मेरे शरीर में कंडू रोग हैं, उससे रस निकल रहा है, उनके शरीर में लग जाएगा, इसलिए मैं उनको मना करता हूँ, किंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते और मेरा आलिंगन करते हैं और मेरे शरीर में मेरे घाव के जो पीओ हैं रस हैं वो लग जाता है। मोर नहीं कर
निस्तर जगन्नाथ ना देख पर। इसी कारण के शरीर में मेरे घाव का रस लग रहा है, तो वस्तुतः मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपराध कर रहा हूँ, क्योंकि जब भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा भक्त करते हैं तो उनको से शुद्ध पवित्र रहना आवश्यक है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है और उनकी सेवा करने के लिए जो सेवक हैं, भक्त हैं, उसको भी पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हम विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। किंतु अब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है और जब वो मेरा आलिंगन करते हैं मेरे मना करने पर भी, तो मेरे शरीर के घाव का रस उनके शरीर में लग जाता है जो कि अपवित्र है, घाव अपवित्र है और वो भगवान के शरीर में लगता है, तो इससे मेरा अपराध हो रहा है। और इस अपराध के कारण मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा, इसके बदले में नरक में जाऊंगा अपराध के कारण, भगवान के चरणों में अपराध करने के कारण। तो ये एक दुख मेरा है, सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित से कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दूसरा दुख है, क्योंकि मैं हित निमित्त आयलांगामी विपरीत के करिल हिताय नरी निर्धारित। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो यहाँ आया था नीलाचल में, मेरा उपकार मेरे हित के लिए, मेरे मंगल के लिए, किंतु यहाँ मेरा हल क्या होगा, तो वहाँ मंगल हो रहा है, विपरीत। और मुझे क्या करना चाहिए ये भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की लालसा, किंतु इधर चैतन्य महाप्रभु मेरा जो आलिंगन कर रहे हैं उनके शरीर में रस लग रहा है, इसलिए अपराध के कारण बच नहीं सकता। क्योंकि यदि मैं कहीं भागता भी हूँ चैतन्य महाप्रभु तो इसलिए मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए स्थिति में, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये जगदानंद पंडित से कह रहा है। पंडित कहे तुम्हार वास योग्य वृंदावन, रथ यात्रा देखी तहां कर गमन। तो जगदानंद पंडित के सामने जब सनातन गोस्वामी ने दुख निवेदन किया तो जगदानंद पंडित ने उनको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो जगदानंद कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, तुम्हारे रहने योग्य वृंदावन स्थान है, इसका अर्थ है कि नीलाचल तुम्हारे लिए रहने योग्य स्थान नहीं है, जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे और दर्शन करने के उपरांत तुम वृंदावन चले जाओ। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसा उपदेश देते हैं, कोई भक्त को कभी
कोई दुख है, किसी दूसरे भक्त से परामर्श करता है, तो दूसरे भक्त कभी कभी बता देते हैं, नहीं नहीं तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम उधर दूसरे, नहीं तो वृंदावन चले जाओ, ऐसा उपदेश दे देते हैं। तो जगन्नंद पंडित ने ऐसा ही किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में रह उद्धार और भक्ति करने के लिए आदेश दिया था। सनातन गोस्वामी आए हैं नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा संग प्राप्त करने के लिए, अब चैतन्य पंडित कह रहे हैं कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारा वृंदावन ही योग्य वास स्थान है। तमा दुई भय वृंदावने बैसता सर्व सुख पय। तो जगन पंडित ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने तुम दोनों भाइयों को आज्ञा दी है वृंदावन में रहने के लिए, इसलिए आप वृंदावन में तुम जाकर वहाँ रहो तो वहाँ तुम्हें सर्व सुख प्राप्त होगा, यहाँ तो दुख प्राप्त हो रहा है। जेकर जे आइला प्रभुर देखिला चरण रथे जगन्नाथ देखी कर गमन। तो जगन्नाथ पंडित ने कहा कि तुम जिसके लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु का तो दर्शन हो गया, अब जगन्नाथ जी का तो जब रथ यात्रा होगी उस जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर लेना और उसके बाद वृंदावन चले जाना, पूरा रास्ता बता दिया। सन कहे भाल कैला उपदेश कहाँ जाब सही मोर प्रभु। तो सनातन के समय ने कहा कि अच्छा हुआ आपने उपदेश दिया मुझे और मैं वहीं जाऊंगा, तो मैं वहीं जाऊंगा क्योंकि वृंदावन मेरा प्रभुदत्त देश है। पापा ने कहा था कि वृंदावन में रहने के लिए, तो सनातन गोस्वामी ने स्वीकार किया कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम में रहने की आज्ञा दी है, इसलिए वृंदावन धाम मेरे लिए प्रभुदत्त देश है। तब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं प्रभुदत्त क्या होता है। प्रभुदत्त देश पद अत्यंत सार्थक है, सब लोग ध्यान से सुनना प्रभुपाद के तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति संप्रदाय मनुष्य को एक स्थान पर बैठे रहने की नहीं अपितु सारे जगत में इसका विस्तार करने की शिक्षा देता है। अर्थात एक स्थान पर बैठ करके भजन चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय का उद्देश्य, किंतु जगत के कल्याण के लिए लोगों का उद्धार के लिए भक्तों को चाहिए कि वो प्रचार करें, लोगों को बताएं भक्ति के संबंध। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन में तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार तथा मरम्मत करने के लिए और वहीं से भक्ति संप्रदाय की स्थापना करने के लिए भेजा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन इसलिए भेजा था भगवान की लीलाओं से जो तीर्थ स्थान है उसका लुप्त तीर्थ उसका उद्धार करना और भक्ति संप्रदाय की स्थापना करना, भक्ति ग्रंथों की
इसलिए सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को उनके निवास स्थान के रूप में वृंदावन दिया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन और रूप गोस्वामी को वृंदावन में रहने के लिए आदेश दिया था। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय के हर व्यक्ति को अपने गुरु को शिरोधार्य करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करना चाहिए। तो जिस प्रकार ने आदेश दिया था रूप और सनातन गोस्वामी को एक विशेष स्थान पर रहने के लिए और एक विशेष कार्य करने के लिए, और सनातन और रूप गोस्वामी के लिए वह प्रभु दत्त देश बन गया वृंदावन। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय में हर भक्त को वचनों को शिरोधार्य करके, गुरु के आदेशों को शिरोधार्य करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करना चाहिए। अर्थात जो आदेश देते हैं वही शिष्य के लिए प्रभु दत्त देश हो जाता है, जहाँ गुरु कहते हैं शिष्य को रहकर सेवा करने के लिए, वही उस शिष्य के लिए प्रभु दत्त देश। उन्हें विश्व के सारे भागों में उन स्थानों को प्रभु दत्त देश अर्थात गुरु या कृष्ण द्वारा दिया गया निवास स्थान समझकर जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही किया, अपने शिष्यों को भेजा चाइना, कहाँ अफ्रीका, कहाँ लंदन, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जापान, और इस प्रकार आदेश दिया प्रभुपाद, तुम जाओ सेंटर खोलो, उधर जाओ सेंटर खोलो, प्रचार करो। गए गुरु का आदेश मानकर। ये किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि प्रभुपाद आप तो आदेश दे रहे हैं, हम तो वहाँ जानते नहीं किसी को, हम कैसे जाकर वहाँ प्रचार करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। किसी भक्त ने प्रभुपाद से ऐसा नहीं कहा, प्रभु ने कहा जाओ उधर, वो चल दे, क्योंकि गुरु की आज्ञा पर उनका दृढ़ विश्वास था। प्रभुपाद जो बोलते थे भक्त लोग की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपना जीवन देने के लिए भी प्रस्तुत थे। जब बॉम्बे मंदिर का जमीन लेने की बात चल रही थी और प्रभुपाद कह रहे थे कि सब भक्त जू में जहाँ जंगल था वहाँ मच्छर और सांप और क्या चूहा सभी थे, सभी निवास करते थे, और प्रभुपाद ने अपने विदेशी भक्तों का वहीं जाकर रहो, टेम्पररी शेड बना करके रहो और टेम्पररी मंदिर भी बना। तो भक्त ने कहा कि हम तो लोग तो विदेशी भक्त हैं, हम तो ऐसा रह नहीं सकते, हमें टैप में पानी चाहिए और रहने के लिए अच्छा स्थान चाहिए, मच्छर और जहाँ चूहा है सांप। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग अपने को शुद्ध करना नहीं चाहते हो क्या? प्रभुपाद ने एक ही बात उन्होंने कही, क्या नहीं चाहते हो, बस उनका सारा कंप्लेन चला गया, उस स्थिति में रहने लगे जहाँ टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, मच्छर सांप हैं, उसी के बीच रहने लगे। क्योंकि गुरु जब कार्य करने के लिए आदेश देते हैं तो असंभव नहीं है, यदि उसके गुरु के आदेश पर उसको विश्वास है, दृढ़ विश्वास। क्योंकि गुरु जब आदेश के साथ साथ वो शिष्य को
शक्ति भी देते हैं कर सके। इसलिए प्रभुपाद के शिष्यगण जहाँ भी प्रभुपाद ने भेजा सब सफल हुए, और यही कारण समय में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चारों ओर परिव्याप्त हो गया सारे विश्व। अन्यथा सारे विश्व का प्रसार करना, 108 सेंटर खोलना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए जो समय है उनके द्वारा गुरु असंभव कार्य को भी संभव कर सकते। शिष्य को समर्पित होना चाहिए और गुरु वाक्य पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्य पर दृढ़ विश्वास नहीं है वो शिष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें विश्व के सारे भागों में उन स्थानों को प्रभु गुरु या कृष्ण द्वारा दिया गया निवास स्थान मान समझकर जाना चाहिए। गुरु तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो अपने पालन कर कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करता माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे। पृथ्वी पे आचे इसलिए कृष्ण भावनामृत की परंपरा के लोगों को विश्व के विभिन्न भागों में जाकर गुरु के आदेशानुसार प्रचार करना चाहिए। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे। एतावली दुहे निज कार्य उठी गला प्रभु मिलिबारे आइला। तो जगन स्वामी को और फिर वहां से वो चले गए अपने कार्य में। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए मिलने के लिए सनातन गोस्वामी से। कैला प्रभु र चरण बंदन हरिदास कैला प्रभु प्रेम आलिंगन। तो हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश दुरहिते दंड प्रणाम करे सनातन प्रभु बुलाए बार बार करिते आलिंगन। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी दूर से चैतन्य महाप्रभु को तो भय है कि वो पास निकट से प्रणाम करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे आलिंगन करने के लिए, और दूर से करेंगे तो वो भाग जाएंगे। दूर से प्रणाम कर रहे थे सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु उनको बुला रहे हैं उनको आलिंगन करने के लिए। अपराध भय ते हाँ मिलित न आयल महाप्रभु मिलिबा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया सनातन गोस्वामी आए नहीं क्योंकि आलिंगन करेंगे और उनके शरीर का जो घाव का रस उनके शरीर में लगेगा इसलिए वो आए नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे मेरा अपराध हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए उनके पास उनका आलिंगन करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी नहीं आ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं चले गए। सनातन भागी पाछे करे न गमन कारे धरी प्रभु कैला लिंगन। तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास गए उनको आलिंगन करने के लिए
तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और पीछे हट कर जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जाकर उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनको आलिंगन किया। दुई जनालया प्रभु बसला पिंडत निर्विन्न सनातन लगिला कहे। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दोनों सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को लेकर पर बैठ गए। तो सनातन गोस्वामी जो वैराग्य में प्रधान थे, तो उन्होंने श्रील चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी हित लागे आइनु मुहे हैल विपरीत अयोग्य नहीं अपराध करो नीति नीति। अपने लाभ चैतन्य महाप्रभु, किंतु मैं देखता हूं कि उसका उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है और मैं सेवा के योग्य तो नहीं हूं और दिन प्रतिदिन आपके चरणों में अपराध ही कर रहा हूँ। आपकी सेवा तो कुछ नहीं कर सकता और यहाँ केवल अपराध कर रहा हूँ। सहति मुई दुष्ट पापाशय मोरे तुम्हें सुनले मोर अपराध। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं नीच जाति में जन्मा हूं और पाप कर मैं पाप से इतना प्रदूषित हूं कि मैं एक जलाशय के समान बन गया हूं, जो जलाशय पाप से प्रदूषित जलाशय। और आप जब मुझे छूते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा अपराध हो। आप जब मेरा स्पर्श अधम पापी का तो मेरे लिए अपराध होता है। ताहते हमारे अंगे कंडुरसा रक्त चले तुम्हारे अंगे लागे प्रभु स्पर्श है तुम्हें बले। शरीर में जो खुजली होती है और उससे जो घाव हो गया है उससे रस निकलता है और रक्त भी निकलता है दोनों। और आप जब बलपूर्वक मेरा आलिंगन करते हैं तो आपके शरीर में लगता है। विभस्त स्पर्शित ना यही अपराध मोर हवे सर्वनाश। तो कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है ये अत्यंत विभत्स भयावह दिख रहा है, कि शरीर में घाव हो गया है, रस निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, तो शरीर कैसे दिखेगा? जो लोग कोई भी व्यक्ति देखेगा उस शरीर को वो डरेगा और स्पर्श करना नहीं चाहेगा उसके शरीर को, उसमें घृणा का भाव उदय हो जाएगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु शरीर में इतने सारे घाव हो गए हैं, रक्त निकल रहा है, फिर भी उनके मन में सनातन गोस्वामी के प्रति या उनके शरीर के प्रति कोई घृणा भाव नहीं, इसलिए वो आकर्षित करके आलिंगन करते हैं। गोस्वामी उनके इतने प्रिय है, उतना प्रेम करते हैं सनातन गोस्वामी से, किन्तु सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि मेरा तो अपराध हो रहा है और इस अपराध के कारण मेरा सर्वनाश हो जाए।
ताते यहाँ रहिल मोर नहाय कल्लण आज्ञा दे जाऊं वृंदावन। जिस पंडित ने बताया था तो हम यहाँ रहने से मेरा हमारा तो कल्याण नहीं होगा, मैं रथ में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के उपरांत मैं वृंदावन चला जा। तो वृंदावन जाने की जगदानंद पंडित आमी जुक्ति पूछल वृंदावन उपदेश दिल सनातन गोस्वामी ने बोल ही दिया जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने कल पूछा था इसके बारे में, उनसे विचार विमर्श किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वृंदावन चले जाइए, यहाँ मत रहिए। एता सुनि महाप्रभु सरस अंत जगदानंद करे तिरस्कार। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि जगदानंद पंडित ने सनातन कि तुम यहाँ मत रहो वृंदावन चले जाओ, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत क्रोधित हो गए जगदानंद पंडित, और क्रोधित होकर उनका तिरस्कार करने लगे जगदानंद पंडित, क्योंकि जगदानंद पंडित वहाँ नहीं थे, किंतु उनकी बात सुनकर कि वो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार उपदेश दिए हैं सुनकर वो उनका काली कार बटुआ जगा काली कार बटुआ जगा ऐसे गर्वी है लो तुमा सवारे हो उपदेश करीते ये कल का छोकरा है ये जगदानंद पंडित और ये उपदेश कर रहा, तो इसका अर्थ है कि उसके मन में अहंकार हो गया, वो अपने को बहुत बड़ा मान रहा कि वो तुम्हें अर्थ है कि उसके मन में अहंकार है गर्व है, वो अपने को बहुत बड़ा भक्त मान रहा है, उपदेश दे रहा है इस प्रकार वृंदावन जाने के लिए। व्यवहारे परमार्थे तुम्हें तुम्हारे उपदेश ना जाने आपन मूल्य। तो जगदानंद पंडित ये व्यवहार में और परमार्थ में ये तुम्हारे शिष्य जैसा है, तुम उसके गुरु जैसे है, सनातन गोस्वामी को बता रहे कि व्यवहार में और परमार्थ में, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति में और सामान्य व्यवहार में तुम जगदानंद पंडित के गुरु तुल्य हो, और जो गुरुतुल्य हैं उसको उपदेश नहीं दिया जाता है। जो गुरुजन है व्यक्ति को उपदेश नहीं दे सकता, उससे त्रुटि आ जाती है, वो वैष्णव सदाचार या सामान्य व्यवहार भी नहीं है कि कोई अपने गुरुतुल्य व्यक्ति को उपदेश दें, या कभी तो ये सदाचार के विरुद्ध है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम उसके गुरु के समान हो,
और आध्यात्मिक उन्नत हो और व्यवहार में भी उन्नत हो, और वो तुम्हें उपदेश दे रहा है तो नहीं समझ रहा, तो किस प्रकार अपने मूल्य को न जान कर दुस्साहस कर रहा है तुम्हें उपदेश देने के लिए। आमार उपदेष्टा तुम्हें प्रामाणिक आर्य, तुम्हारे हो उपदेश बालका इच्छे कार्य। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, तुम मेरे सलाहकार हो, तो परामर्श ग्रहण करता। तो जब गुरु या प्रभु शिष्य से परामर्श के लिए कुछ पूछे तो शिष्य उस समय कुछ बता सकता है, अपनी ओर से वो बता नहीं सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु करेंगे, तुम मेरे सलाहकार हो, मैं कभी कभी तुम्हें पूछता हूँ। तो इसलिए तुम प्रामाणिक व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हें शास्त्र का सिद्धांत तुम जानते हो, शास्त्र के ज्ञान है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हो। और ये जो जगदानंद पंडित, ये कल का बालक है, ये तुम्हें उपदेश दे रहा है तो ये सदाचार के विरुद्ध है। सुनी सनातन पाए धरी प्रभु रे कहिल, जगदानंदेर सौभाग्य आज से जानिल। महान भक्तों का व्यवहार कैसा सब है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन सनातन के स्वयं कैसे, चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ करके तुरंत उनके चरणों में गिर गए। जब वो उनके चरण में गिर कर कि आज मुझे पता चला जगदानंद पंडित का कितना सौभाग्य है, चैतन्य महाप्रभु उसकी वर्चना कर रहे हैं, किंतु सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आज मुझे पता चला कि जगदानंद पंडित कितने सौभाग्यशाली है। और जगदानंदी सोचेंगे जगदानंद पंडित अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे, चैतन्य महाप्रभु की भर्त्सना का श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सभी के सामने ऐसे गाली दे रहे थे, हैं क्या हैं, प्रसन्न होंगे कैसे प्रसन्न होंगे? कोई गाली सुनेगा कोई प्रसन्न हो सकता है? और अब जगदानंद पंडित कुछ नहीं बोल रहे हैं, सनातन को कि जगदानंद पंडित कितना सौभाग्यशाली है। चैतन्य महाप्रभु वर्चना कर रहे हैं जगदानंद पंडित की, कह रहे हैं कि वो कितने सौभाग्यशाली है। तो कहते हैं आज मुझे पता चला कि जगदानंद पंडित कितने सौभाग्यशाली है। अपनार सौभाग्य आज हईल ज्ञान, जगत नहीं जगदानंद समाभाग्य। तो सनातन गोस्वामी ने कहा आज मुझे पता चला कि जगदानंद पंडित कितना सौभाग्यशाली है और मैं कितना हतभागा, अपने बारे में बता रहे कि मैं कितना हतभागा हूँ
और जगदानंद पंडित कितने भाग्यवान हैं। जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधारस मोरे निम्बन सिंधारस। तो सनातन को कहा कि आप जो गाली दे रहे हैं जगदानंद पंडित को, उसके बारे में कह रहे हैं कि आप जगदानंद पंडित को आत्मीयता का करा रहे हैं। क्यों? चैतन्य महाप्रभु तो गाली दे रहे थे, भर्त्सना कर रहे थे जगदानंद पंडित, और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप आत्मीयता के अमृत रस को पिला रहे हैं जगदानंद पंडित। इसका कि व्यक्ति तभी किसी को गाली दे सकता है जिसके प्रति आत्मीयता का बोध हो, जो जिसको वो अपना मानता है उसको गाली दे सकता है, और जिसकी प्रशंसा करेगा। सनातन गोस्वामी अब कह रहे हैं और तुलना कर रहे हैं अपना के साथ कि आप कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि जगदानंद पंडित आपके बहुत आत्मीय हैं, आप उनको अपना मान रहे हैं, और मुझे क्या कर रहे हैं, आप गौरव गान कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जगदानंद पंडित को तो सुधा रस अमृत रस पिला रहे हैं भर्त्सना करके, और मुझे क्या निम्बा निसिंधा रस, कोई नीम का रस निकाल करके किसको पीने दे, कैसा लगेगा? अच्छा लगता है हाँ? कड़वा लगता है नीम का रस हाँ? बैठो उधर। और निसिंधा रस, निम्बा निसिंधा रस, कल हम लोगों ने निसिंधा क्या है रिसर्च किया है। ये बंगाली शब्द है निसिंधा, एक फल होता है। तो हम सोच रहे थे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उड़िया में क्या बोलते हैं, कल रिसर्च हम कर रहे थे इसके संबंध। तो हिंदी में इसको निर्गुंडी बोलते हैं, और तो बेगुनिया वो भी कड़वा है, तो नीम और निसिंधा इसका रस कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो कि आप गौरव गान कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे थे, तो ये जो गौरव गान कर मेरा स्तुति गान कर रहे हैं, ये तो मुझे नीम का रस या निसिंधा का रस जैसे पिला रहे हैं, मुझे कड़वा रस पिला रहे हैं। और जगदानंद पंडित की भर्त्सना करके उसको अमृत रस पिला रहे हैं। तुम क्या चाहिए? क्या सुधा रस चाहिए ना? हैं? नीम का रस चाहिए? ये अभी पता चला कि व्यक्ति का हृदय में क्या है। नीम का रस चाहिए अर्थात स्तुति गान सभी लोग करें पुरुषोत्तम के, उसके को हर समय पुरुषोत्तम प्रभु अच्छा है बोलना चाहिए तब वो प्रसन्न होंगे।
तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जो क्योंकि स्तुति गान उनको चैतन्य महाप्रभु जो गौरव गान कर रहे हैं सनातन गोस्वामी का, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए नीम या निसिंद रस के समान कड़वा है। अर्थात सनातन गोस्वामी ये नहीं चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु उनका स्तुति गान करे, उनको गौरव प्रदान करे। वो चाह रहे थे मान पंडित की भर्त्सना, तो उसी प्रकार मेरी भी भर्त्सना करिए, तब मैं मानूंगा आत्मीय हूं। अब मेरा गौरव, हमें नहीं लगता कि मैं जगदानंद पंडित की तरह आपका आत्मीय हूं, अपना ये भाव। आज यह नहीं लमोरे आत्मीय ज्ञान मोर अभाग्य तुम्हें स्वतंत्र भगवान। तो कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मुझे अपने जन के रूप में स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वतंत्र भगवान हैं, जैसे आपकी इच्छा है, आप किसको आत्मीय मानेंगे किसको नहीं मानेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हम तो बाध्य नहीं कर सकते आपको कि हमें अपना आत्मीय माने। सुनी महाप्रभु किछु लज्जित हेला मने, संतोषित किछु भले न। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि सनातन गोस्वामी इस प्रकार कह रहे हैं कि वे सनातन गोस्वामी को अपना आत्मीय नहीं मान रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा लज्जित सा हुए, क्योंकि आत्मीय मान रहे थे। सनातन गोस्वामी को संतुष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहा सनातन गोस्वामी से, जगत प्रिय अमार नहीं तो माहिते मरे ना परोसाहिते। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा बता रहा हूं कि ये नहीं है कि जगदानंद पंडित तुमसे मेरा अधिक प्रिय हो। इसका अर्थ तुम ही मेरा अधिक प्रिय हो, जगदानंद पंडित अधिक प्रिय, किंतु मैं जगदानंद की भर्त्सना इसलिए कर रहा हूं कि जो छोटा होकर जो गुरुजन को उपदेश दे रहा है ये मर्यादा लंघन, इसको मैं सहन, ये नहीं है कि तुमसे अधिक मेरा प्रिय है। कहाँ तुम्हें प्रामाणिक शास्त्र प्रवीण, कहाँ जगह कालिकार बटुआ न। तो चैतन्य तुम शास्त्रों के अनुभवी विद्वान हो और कहाँ जगह। तो ये नया बालक है तुम्हारे सामने और ये तुम्हें उपदेश दे रहा है। हमें कहते तुम्हें धर शक्ति व्यवहार भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मुझे समझाने के लिए शक्ति धारण करते हो और
तुमने कई बार मुझे भक्ति के संबंध में बताया भी है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन राम के लिए, मैं जब सनातन पर चैतन्य महाप्रभु के साथ लाखों लोग चल रहे थे वृंदावन की ओर, तो उस समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, इतने सारे लोगों को लेकर वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि सनातन ने ठीक कहा, इतने सारे लोगों को लेकर वृंदावन जाना ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो लौट आए, उस बार वृंदावन नहीं गए। तो उस बात को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अरे उपदेश करे ना अतएव तारे आमी करिए वर्चन। इसलिए जगन पंडित तुम्हें उपदेश कर रहा है, ये मेरे द्वारा सहन नहीं होता है, और इस मैं उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। बहिरंग ज्ञाने तुम्हारे ना करी स्तव गुण। तो तुम ये मत सोचना, सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि तुम मेरा प्रिय नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, ये मत सोचना। तुम में वो गुण है इसलिए तुम्हारे गुणों की मैं स्तुति कर रहा हूं। यद्यपि कार ममता बहु जने हय कि स्वभावे कहते कोनो भावोदय। कई व्यक्तियों से स्नेह होता है किंतु उनके निजी अनुसार के प्रेमों का उदय होता है। देह तुम्हें कर विभस्स ज्ञान, तुम्हार देह अमर लागे अमृत। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से कि तुम्हारा जो शरीर है तुम उसका सोच रहे हो कि तुम्हारा भयंकर है, रस और रक्त निकल रहा है, भयंकर लगता है, किंतु शरीर अमृत के समान लग रहा है। मुझे तुम्हारा शरीर भयंकर नहीं लग रहा है। अप्राकृत देह तुम्हार प्रकृत कभू न प्रकृत बुद्धि है। तुम्हारा शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है, किंतु तुम इसे भौतिक बुद्धि से सोच रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत लंबा तात्पर्य है जिन्हें हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इस मत व्यक्त करते हैं कि भक्ति में लगा मनुष्य अपने शरीर को किस प्रकार भौतिक से आध्यात्मिक बनाता है। तो शरीर तो भौतिक शरीर है, किंतु जब भगवान की भक्ति में कोई अपने आता है तो वह शरीर भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति शुद्ध भक्त के पास किसी निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो उस कार्य के लिए कभी भी कुछ स्वीकार नहीं करता। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी इंद्रिय इच्छा उनमें नहीं है, इसलिए वो अपने शरीर का उपयोग किसी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं करते।
वो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता की और अपने उत्कट कृष्ण प्रेम के विभिन्न प्रकार से कर्म कर, तो जो शुद्ध भक्त हैं जिनकी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं है, कामना नहीं, वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उनका उनकी एकमात्र प्रसन्नता, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर को सेवा में नियोजित, और इस प्रकार भगवान के प्रेम में वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्मी जन सोचते हैं कि वह भौतिक शरीर भौतिक भोग का साधन है, और किंतु एक भक्त में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। और जो कर्मी लोग होते हैं वे अपने शरीर को भोग का साधन मानते हैं, कृष्ण भगवान के लिए नहीं। किंतु जो भक्त हैं, भक्त की इस प्रकार भोग की इच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। भक्त शारीरिक तथा शारीरिक कर्मों की कर्मों को भूलकर पूरे मन से सेवा में सर्वदा लगा रहता है। कर्मी का शरीर भौतिक कहलाता है, क्योंकि भौतिक कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कर्मी सदैव भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। किंतु भक्त का शरीर दिव्य माना जाना चाहिए, क्योंकि वह सदैव सेवा में लगे रहकर कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कठिन श्रम करता है। एक ओर जहाँ कर्मी लोग एकमात्र अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वहीं भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए व्यक्ति तथा सामान्य कर्म में अंतर, वह शुद्ध भक्त के शरीर को भ्रम मान बैठता है, जो इसे जानते भूल नहीं करता। भक्ति कार्यों तथा सामान्य भौतिक कार्यों के अभक्तगण भगवान के पवित्र दिव्य नाम के कीर्तन के प्रति अपराधी, भक्त जानता है कि सदैव दिव्य होने से भगवान की सेवा करने के लिए उपयुक्त तो होता है। भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थित भक्त दीनता वश सोचता है कि वो कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो सोचता है कि वो और उसका शरीर भौतिक है। शुद्ध भक्त अपने शरीर को दिव्य नहीं मानता, वो अपने शरीर को भौतिक ही मानता है, जबकि दूसरे लोग उसके शरीर को दिव्य मानते हैं जो भक्ति में उन्नत है। दूसरी ओर जो सहज ये मूर्खतावश अपने भौतिक शरीर को दिव्य मानते हैं सहज या लोग, इसी कारण वे हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति से वंचित रहते हैं, इसलिए वे वैष्णव जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। सहजों के दोषों को देखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक कल्याण कल्पतरु में लिखा है कि आमित वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी नाहव आमी प्रतिष्ठा सा आसी हृदय गानी उचिष्ठादि दाने हवे अभिमान भार। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन बहुत कि जब कोई अपने को वैष्णव करके मानता है, ताहले अपने को वैष्णव मानने से फिर उसके मन में थोड़ा गर्व अहंकार आ जाता है, हम
और जब मन में गर्व अहंकार आएगा विनम्र नहीं हो पाएगा, नम्रता नहीं आएगी, और उसमें प्रतिष्ठा की आशा बढ़ेगी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा जो उसके हृदय को दूषित कर देंगे, दुर्गुण है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, और जिससे वह नरकगामी हो सकता है। और भक्त उस प्रकार का भक्त जिसके मन में अहंकार है वो सोचेगा मैं तो श्रेष्ठ भक्त हूँ इसलिए दूसरे लोग मेरा उच्चिष्ट मेरा महामहा प्रसाद सेवन करना चाहिए। ठीक है, आज यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री जवनिताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखादेवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराण की। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री सिंहदेव भगवान की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय।